ये इन्फॉर्मेशन, ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इस पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए आपको एक पर्सपेक्टिव देगी। बॉर्डर पर सेना किस तरीके से खुद को मुस्तैद कर रही है, एक लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था सेना से, और उसकी तैयारियां आप देखिए कैसे ओवरनाइट वहां पर स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं सैनिकों को, ट्रुप्स को सुरक्षा देने के लिए। इस जबरदस्त ठंड में वो कैसे अपने आप को न सिर्फ वहां मौजूद रखेंगे बल्कि इतना इफिशियंट रखेंगे कि चीन की तरफ से किसी भी चालबाजी का जवाब दिया जा सके, उसकी तैयारी मैं आपको दिखाता हूं। सुमित चौधरी जिनकी एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं वो भी हमको यहां ज्वाइन करेंगे। सुमित आ जाएं आप, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि देखिए चीन ने अगर एक उकसाहट, एक चुनौती दी है तो हिंदुस्तान ने कैसे खुद को उसके लिए तैयार किया है, और चीन के वो लिटिल एम्परर्स, अपने सैनिकों को वो लिटिल एम्परर नाम से बुलाता है, कैसे इस ठंड में इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो सुलह की बातें तो हो रही है लेकिन चाल खत्म नहीं की गई है, इसीलिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी की है। सुमित ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हम ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जरा इनको एक्सप्लेन कीजिए, ये स्मार्ट लिविंग अरेंजमेंट्स हैं हमारे ट्रुप्स के लिए, हमारे कमांडिंग जूनियर कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए, क्या खासियत है इसमें? देखिए दिनेश, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये सारा एरिया फॉरवर्ड मोस्ट इलाका है। मैं आपको लोकेशन नहीं बता सकता लेकिन ये जरूर बताऊंगा ये बिल्कुल उसी इलाकों का सरकमस्टेंस, या फिर आप बताते हैं कि तैयारियां की गई है जहां पर ये पूरा स्टैंड ऑफ चल रहा है उससे बिल्कुल नजदीक, और यहां पर टेम्परेचर -50-55 डिग्री तक पहुंच जाता है दिनेश। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवंबर के खत्म होते होते यहां पर जो बर्फ है 40 फीट तक गिरने की संभावना होती है। और इन इलाकों अगर आप इन पूरी फैसिलिटीज को देखें तो आपको नजर आएगा कि हीटिंग जो रूम्स हैं वो लिविंग रूम्स हैं, इसके अलावा हीटर्स रखे हुए हैं कमरे के अंदर, डोमेट्री के अंदर अगर आप देखें तो ये सारी तैयारियां हमारे सोल्जर्स के लिए इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे। और ये तैयारियां दिनेश अभी की नहीं है, ये बहुत लंबी प्लानिंग थी और ये भारत को अंदेशा था कि हमें अगर ऐसे इलाकों में बना रहना है तो हमारे लिए तैयारियां हमेशा होनी चाहिए दिनेश। इसमें आप लगातार देख रहे हैं लिविंग अकोमोडेशन फॉर ट्रुप्स, लिविंग अकोमोडेशन फॉर जूनियर कमांडिंग ऑफिसर्स, वहां पर आपने देखा किस तरीके से पोर्टा अकोमोडेशन बनाए गए हैं, पोर्टेबल अकोमोडेशन बनाए गए हैं, ऐसे अकोमोडेशंस जिनको शिफ्ट किया जा सकता है, ये अकोमोडेशंस जो न सिर्फ वहां पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइजीन के हिसाब से कंफर्टेबल हैं बल्कि इसमें भी ध्यान रखा गया है कि एक हीटिंग सिस्टम हो ताकि वहां की कड़कड़ाने वाली सर्दी, तो एक बहुत छोटा विशेषण है, उससे भी कहीं ज्यादा सर्दी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वहां पर ट्रुप्स उसमें रहें और खुद को इफिशियंट बनाए रखें, इसके लिए खास तैयारियां। एक और प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखा है वो है कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान, यानी सैनिकों की दूरी जो हो आपस में काफी दूर हो, और इसके अलावा जो भी सैनिक यहां पर आएंगे वो क्वारंटाइन होकर आएंगे 14 दिन के। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, छोटे छोटे बेस हॉस्पिटल्स, ये सारी तैयारियां हमारी फोर्सेस ने लगातार इन इलाकों में की है। और दिनेश मैं बार बार कह रहा हूं ये वो इलाका है जहां से स्टैंड ऑफ बहुत ज्यादा नजदीक है, ये हमारी तैयारियां हैं। और इन इलाकों और आप ये भी बता रहे थे कि एनसीबी प्रिपरेशन, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से निपटने के लिए जाहिर है उसकी तैयारियां भी हैं और उस बारे में हम ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते। पाकिस्तान से चीन के लिए बहुत बुरी खबर, पाकिस्तानी वर्कर्स का सीपेक को लेकर विरोध, चाइनीज वर्कर्स से कम मिल रही है सैलरी और इसका हो रहा है विरोध, चाइनीज वर्कर्स को युआन में हो रहा है भुगतान जबकि पाकिस्तान के मजदूरों को रुपए में दिया जा रहा है वेतन और इसमें भी बड़ी असमानता, इसको लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है सीपेक में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूरों ने आवाज बुलंद की है, बड़ी तादाद में विरोध की आवाज बुलंद की है, उन्होंने कहा नहीं करना काम सीपेक में अगर हमको नहीं मिलेंगे बराबरी की मजदूरी। तो ये क्या हो रहा है सीपेक को, जाहिर है चीन ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है सीपेक में, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से घपले और षड्यंत्र की खबरें भी आ रही हैं।